नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यहाँ पे कि एक मोटरसाइकिल बनवाने के लिए दोस्तों आपको लाइसेंस अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि एक EMCW जी लाइसेंस को कैसे आप आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों कि इंडिया में दोस्तों अभी के टाइम में जब से मोटर व्हीकल एक्ट नियम लगा है दोस्तों यहाँ पे, तब से इंडिया में दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की बाढ़ सी आ गई है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं अपने इंडिया में दोस्तों इस टाइम पे। RTO ने खुद वहाँ पे विज्ञप्ति जारी करके दोस्तों उन्होंने बताया कि इस टाइम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, और उन्होंने दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की स्पीड जो थी वो डबल कर दी है। डबल मतलब उसको दोस्तों डबल टाइम में बनाया जा रहा है एक ही टाइम पर दोस्तों। जैसे पिछले टाइम में दोस्तों पर डे वहाँ पे 300 लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते थे, तो इस टाइम पे दोस्तों लगभग वहाँ पे 500 550 600 ड्राइविंग लाइसेंस पर डे वहाँ पे लर्निंग बनाए जा रहे हैं। परमानेंट 150 पहले बनते थे, तो उसको डबल करके अब 300 कर दिया गया है। तो ये आप समझ सकते हो डबल वहाँ पे बन रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों कि हाउ टू अप्लाई फॉर वहाँ पे MCWG ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा दोस्तों आज दो तरीके, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ये बाद में आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको ऑनलाइन बनवाना है अपना ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने के लिए कि ऑफलाइन बनवाना है कि ऑनलाइन, आप खुद डिसाइड कर लेंगे। तो मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए बताने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और आपके नॉलेजबल भी यहाँ पे होने वाली है वीडियो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे लास्ट तक देखिएगा, बीच में ही दोस्तों वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपको अधूरी जानकारी मैं नहीं चाहता आपको मिले। आप पूरी लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको सही अच्छी और पूरी जानकारी मिल सके कि कैसे हम आवेदन कर सकते हैं मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों ऑफलाइन मोड में। तो जैसे आप जानते हैं दोस्तों एक ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है EMCWG, जिसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, इसका पूरा मतलब क्या होता है। EMCWG मोटरसाइकिल विथ गियर, ये ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो ये मोटरसाइकिल चलाने के लिए अधिकृत होता है। जितनी भी गियर वाली मोटरसाइकिल्स होती हैं वो सभी दोस्तों EMCWG कैटेगरी में ही आती हैं। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों जो होता है ये बेसिकली वैध माना गया है एक गियर वाली मोटरसाइकिल को चलाने के लिए। अगर इनके साथ एक्टिवा स्कूटी ये सब ड्राइविंग लाइसेंस माफ़ कीजिएगा ये सब गाड़ियाँ चलाना चाहते हो तो भी अगर आप EMCWG लाइसेंस बनवा लिए हैं तो आप चला तो सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो आप, मैं आपसे बताऊँगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वहाँ पे एक्टिवा या फिर स्कूटी चलाने के लिए कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस हम बनवाएं। तो आप EMCWOG भी बनवा सकते हो, क्योंकि ये दोस्तों लीगल ड्राइविंग लाइसेंस होता है एक वहाँ पे मोटरसाइकिल विदाउट गियर, जो तो उतनी भी व्हीकल आती हैं गाड़ी आती हैं उनको चलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले दोस्तों ऑफलाइन मोड में कि कैसे हम एक MCWG लाइसेंस ऑफलाइन बनवा सकते हैं। तो ऑफलाइन जो प्रक्रिया होती है यहाँ पे वो एज कंपैरिजन टू वहाँ पे ऑनलाइन दोस्तों काफ़ी वहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो उसको आप मतलब अनसिक्योर मान सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो होता है काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और आपको पैसे भी डबल पे करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसे कुछ ज़्यादा लिए जाते हैं ऑफलाइन मोड में। जो अप्लाई करते हैं आपके लाइसेंस के लिए वो भी आपसे पैसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा, बाद में आपको खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको ऑनलाइन बनवाना है एक मोटरसाइकिल चलाने के लाइसेंस या फिर ऑफलाइन। तो ऑफलाइन प्रक्रिया में सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेने हैं। अभी डॉक्यूमेंट, उम्र, फ़ीस कितनी लगती है दोस्तों ये आप जानना चाहते हो तो इसके लिए मैंने वीडियो पहले ही बनाकर रख दी है। मोटरसाइकिल वहाँ पे एक MCWG लाइसेंस बनवाने की फ़ीस कितनी लगती है, कितनी उम्र लगती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप ड्राइविंग लाइसेंस मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है उस पर जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारे डॉक्यूमेंट ले लेने हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है ऑफलाइन मोड में, सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे विजिट कर लेना है अपने नियरेस्ट RTO ऑफिस में। जिस भी वहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ पर एक RTO ऑफिस होता ही होता है, उसी RTO ऑफिस वहाँ पे आपको विजिट करना होता है। तो उस RTO ऑफिस में जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको वहाँ काफ़ी सारे कंप्यूटर शॉप्स आपको मिल जाएंगी और कैफ़ेज़ वगैरह होंगे, तो उन कैफ़ेज़ पे आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए। तो आप सारे डॉक्यूमेंट जब लेकर जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपका ऑनलाइन कर दिया जाएगा वहाँ पे लर्निंग लाइसेंस। तो पहले ही आपको जानते हैं दोस्तों आपका पहले जो होता है वो लर्निंग लाइसेंस बनता है मोटरसाइकिल चलाने के लिए, जो कि 6 महीने तक वैलिड माना जाता है दोस्तों अगर आपका लर्निंग लाइसेंस बन गया है तो।
वहाँ पे, और वहाँ पे आपको करना क्या होता है कि लर्निंग लाइसेंस जब बनता है तो उसके बाद दोस्तों 40 दिन के बाद आप परमानेंट के लिए फिर से आवेदन करते हो, और जब परमानेंट बन जाता है तो उसके 30 दिनों बाद आपके एड्रेस पे आपका परमानेंट ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस घर पे भेज दिया जाता है। ये होती है प्रक्रिया वहाँ पे। तो पहले आपको लर्निंग लाइसेंस भी बनवाना होता है। तो इस प्रक्रिया में जब आप विजिट करते हैं आरटीओ ऑफिस, तो वहाँ पे आपके लाइसेंस को, लर्निंग लाइसेंस को आवेदन किया जाता है, आरटीओ में सबमिट किया जाता है फॉर्म। उस फॉर्म को आप जब वहाँ पे सबमिट करवाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे एक निश्चित टाइम और डेट मिलेगी। उस टाइम डेट पे आपको विजिट करना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस। फिर वहाँ पे हो सकता है दोस्तों आपका वहाँ पे फौरन वहाँ पे डेट टाइम स्लॉट बुक कर दिया जाए और वहाँ पर आपका वहाँ पे टेस्ट हो जाए। दोस्तों टेस्ट जो होता है वो एक वहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों जिस व्हीकल को आप चलाने के लिए वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, मोटरसाइकिल, कार, जो भी आप बनवाना चाहते हो, उस मोटरसाइकिल को आपको लेके जाना होता है, टेस्ट देना होता है प्रैक्टिकली चलाकर। आरटीओ ऑफिस के ऑफिसर आपके सामने होंगे, वहाँ पर दोस्तों आपको टेस्ट देना पड़ता है। कहीं कहीं पर दोस्तों किसी ड्राइविंग लाइसेंस में आपको वहाँ पे मोटरसाइकिल दी भी जाती है, उनके पास होती है, वहाँ पे मैन्युअली वो रखी रहती है, उसी को वो सभी से चलवाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है दोस्तों कि आपको मोटरसाइकिल लेके ही जाना पड़ता है, जो भी जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, जो भी वहाँ पे गाड़ी के लिए आवेदन कर रहे हो, वो दोस्तों आपको वहाँ पे खुद से लेके जानी होती है। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब दोस्तों जैसे कि आपने आवेदन करवा दिया अपने लाइसेंस का, लर्निंग लाइसेंस का, और उसके बाद आपको टेस्ट स्लॉट में टेस्ट भी पास किया, फिर आपने वहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट आपको देना पड़ेगा उस गाड़ी को चलाकर दिखाने के लिए। जब आप दिखा देंगे तो फिर उसके बाद आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट के वेरीफिकेशन होंगे, फिर से मैनुअली वेरीफिकेशन होते हैं सबकी, आपके फोटोकॉपी जो होती है जेरोक्स वो आपको सबमिट करना पड़ता है आरटीओ में। फिर उसके बाद आपके फ़ोटोज़ लिए जाएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर लेगा, फिर आपके सिग्नेचर और वहाँ पे आपके ई सिग्नेचर आपके लिए जाएंगे, फ़ोटो भी लिए जाएंगी। तो ये सब प्रक्रिया जब आप पूरी कर देंगे, फिर फीस पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद आपका वहाँ पे लर्निंग लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हो। आप लर्निंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर रखी है, आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप उस प्लेलिस्ट को देखें ड्राइविंग लाइसेंस की जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, वहाँ पर आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो कैसे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे। तो अब दोस्तों आपको वहाँ पे 2 दिन में लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। लर्निंग लाइसेंस बनने के वहाँ पे 40 दिन बाद आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो परमानेंट के लिए, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों आप चाहें तो 6 महीने तक आपके पास अवधि दी जाती है लर्निंग लाइसेंस के लिए, 6 महीने के अंदर आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बार 6 महीने बीत गया तो फिर आपको फिर से नया लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ सकता है, इसलिए आप 6 महीने के अंदर ही विजिट जरूर करें। ये होती है प्रक्रिया ऑफलाइन बनवाने की। अब मैं बात करता हूँ ऑनलाइन की। तो मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, उसमें आपको सबसे पहले विजिट करना होता है एक वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी, www.parivahan.gov.in। उस पर आप विजिट करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, पेज भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा ही होगा। उस पेज पे दोस्तों आपको परिवहन सेवा पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पेज पे क्लिक करेंगे तो अब दोस्तों आपके सामने नया पेज खुलेगा। उस पेज में दोस्तों आप वाहन ऊपर लिखा रहेगा और नीचे सारथी लिखा रहेगा, तो आपको सारथी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट में ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करना चाहते हो। ये मैं ऑनलाइन प्रक्रिया बता रहा हूँ एक MCWG लाइसेंस को बनवाने की, ऑफलाइन मैंने आपको पहले बता दी। तो अब दोस्तों आपको विजिट कहाँ करना है ये आप ध्यान में समझिए। तो आप दोस्तों आपको वहाँ पे जैसे ही आपने सेलेक्ट करना है अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट वाली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस वहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो साइट रहती है वो आपको शिफ्ट कर देती है आपका रीजनल वहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, तो उस पे आपको चले जाएंगे। तो उस पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे, अप्लाई ऑन वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे न्यू लर्नर लाइसेंस पे आपको क्लिक कर देना है, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 5 स्टेप्स दिए जाएंगे कि इन 5 स्टेप्स को आपको पूरा करना है, उसके बाद आप वहाँ पे आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा दोस्तों, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है तो आप ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है, फिर आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं, स्कैन करके अपलोड रख लेना है, फिर उसके बाद आपके फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है, उसके बाद आपको निश्चित टाइम और डेट वहाँ पे बुक करना है अपने एक टेस्ट के लिए, लर्निंग टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों आपको फ़ीस पेमेंट करना है। इन 5 स्टेप को जब आप पूरा कर लेंगे तो आप आवेदन कर लेंगे और एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपके सामने आएगा, उसको डाउनलोड करके आप आरटीओ ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे
आपका वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, लर्निंग लाइसेंस। तो ये होती है दोस्तों प्रक्रिया एक मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने की। दोस्तों अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा वहाँ पे तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, ऑनलाइन वाला या ऑफलाइन वाला, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन केस आपके मन में अभी भी कोई डाउट है दोस्तों, तो आप नीचे जाइए वीडियो को कमेंट करिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली ज़रूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे नई नई वीडियो डेली चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक भी आपने नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिएगा, क्योंकि सब लोगों को पता चले दोस्तों कि एक मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है और कैसे वो दोस्तों आप उसको आवेदन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।